Hi friends, my name is Dr. Deepak and I again welcome you. I am a plastic surgeon working in Delhi NCR. Today I am talking to you about fingertip injuries. मैं नोएडा ग्रेट नोएडा में काफ़ी काम करता हूँ और यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और बहुत से लोगों को उंगलियों में चोट लग जाती है. उंगलियों में जब चोट लगती है तो दे कैन बी एज मैनर एज अ सिंपल कट कि छोटा सा कट लगे या फिर थोड़ा क्रश हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा क्रश हो जाए जैसे कोई भारी चीज़ उंगली पे गिर जाए या फिर इतना भी हो सकता है कि भाई उंगली पूरी ही अलग हो जाए. इनफैक्ट कि टोटल एम्पुटेशन जिसे बोलते हैं कि भाई फिंगर बिल्कुल अलग हो गई. तो वी सी ऑल ऑफ दी स्पेक्ट्रम्स. टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट व्हाट वी डू व्हेन वी हैव अ सीवियरली क्रश्ड इंजरी यानी कि जब उंगली बहुत ज़्यादा कुचल जाती है. जब हल्के फुल्के कट्स लगते हैं तो हम उनमें डायरेक्टली सूचर लगा देते हैं एंड इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर. परेशानी आती है जब उंगली बहुत ज़्यादा कुचल जाती है या फिर उसका एक बहुत लंबा हिस्सा बड़ा हिस्सा मिसिंग होता है जो कि कुचलने के कारण ख़राब हो जाता है. ऐसी कंडीशंस में हमारे पास उस हिस्से को दोबारा बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है जिसके लिए हम अलग अलग फ्लैप्स यूज़ करते हैं. इन फ्लैप्स के बड़े सारे नाम हैं, बड़े सारे तरीके हैं. देर इज़ अ कटलर फ्लैप, एटासॉय फ्लैप, देर इज़ अ क्रॉस फिंगर फ्लैप. Now what I am going to discuss to you about is about a VY flap. VY advancement is a sort of advancement जिसमें हम उसी finger से थोड़ा सा tissue उधार लेके borrow करके we advance it. And I am going to show you an example जिसमें हमने ये किया. What we do is we create a V sort of an incision and we advance the entire tissue आगे की तरफ so that जो bone है जो injured bone है वो cover हो जाए. So and the end of the video is going to show you some pictures. And after the patient healed, he has given us a very good review also. It will show you that also. And I hope you like it. Once, if you like it, please like the video, subscribe the channel and share it to other people so that they can also be helped. If you want any help, if you have any queries, या आपके आसपास ऐसा कुछ होता है, आप नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं. My team will be delighted to help you out. And to tell you what can be done for the patient. If you want more information, just put it in the comment section below. I'll definitely make videos and I'll definitely reply to you. Thank you. मेरा नाम नीसू शर्मा है. मैं जेवर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ. खेत में काम करते समय मेरी उंगली में ये चोट आ गई थी गेहूँ बोने वाली मशीन से. तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया डॉक्टर दीपक राठौर जी के पास आने के लिए. मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा, इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया. उसके बाद मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा भी दर्द नहीं हुआ है. 20 से 22 दिन के अंदर अंदर आज मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा हूँ. बहुत अच्छे से सब कुछ किया है सर ने. उंगली कटने के बाद में मेरे घर वाले मुझे एक स्थानीय अस्पताल में ले गए. वहाँ के डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि आपकी उंगली को आधा काटना पड़ेगा. उसके बाद में डॉक्टर दीपक राठौर जी के पास आया. इन्होंने कहा आपकी उंगली को काटने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेंथ इतनी ही रहेगी. उसके बाद में आज मेरी उंगली की लेंथ भी उतनी ही है और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद.